हाय गाइस, अगर आप ईवी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट बट आपको कंफ्यूजन है कि हमने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर वो जो कंपनी गाड़ी बनाती है ईवी, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कैपिलो बोलते नहीं कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, उसका जो बैटरी बनाती है ना उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो इन सबका आपको आंसर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या है, आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसे वीडियो आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो गाइस, बेसिकली इंडिया में जो भी ईवी मार्केट है एकदम सेटल्ड लेवल पे नहीं है। ओके, तो फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज अभी वो डेवलपिंग फेज में है, ऐसा क्लियर कट डोमिनेशन नहीं है, बट कुछ केसेस में है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द बसेस एंड ट्रक्स, तो उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, इनका डोमिनेंस है। If you talk of car, then Tata का जो है Nexon, I think वो number one highest selling car है EV sector में, तो वहाँ पे Tata का dominance है। Mahindra, Mahindra का भी electric vehicle में आ रहा है। Actually Mahindra, Mahindra ने start किया था, उनका एक छोटा गाड़ी आता था रेवा, पर उसको इतना capitalize नहीं कर पाए, तो actually उन्होंने start किया था, but as of now तो Bajaj है, sorry Tata है। Bajaj के तो two wheelers है, Chetak वो भी अच्छा कर रही है, एंड महिंद्रा भी अभी काफी सारे व्हीकल्स ईवी में लेके आ रहे हैं। तो अभी हर एक कंपनी गोइंग टू लॉन्च ईवी मॉडल्स। द क्वेश्चन कम्स कि हमने इन्वेस्ट करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले काफी लोग बोलते हैं कि सर हम ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करेंगे जो बैटरी बनाती है, बिकॉज ईवी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, बैटरीज। जैसे नॉर्मल कार में इंजन महंगा रहता है, यहाँ पे बैटरीज। अभी बहुत सारे कंपनी जो है वो बैटरीज बना रही है, बट व्हाट आई फील कि जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा है ना, वैसे हर एक कंपनी खुद बैटरी बनाना स्टार्ट करेगी, है ना। इमेजिन करो, टाटा मोटर्स है, बजाज है, महिंद्रा महिंद्रा, इतनी बड़ी कंपनीज है जो कार बनाते हैं, खुद का बैटरी क्यों नहीं बनाएंगे। तो दिस इज माय क्वेश्चन दोज हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग बैटरी। हाँ अच्छा, ऐसे नहीं कि इनकी बैटरी यही लोग लेने वाले, बट दे आर द मेजोरिटी कस्टमर, क्योंकि आज ईवी व्हीकल बहुत जगह पे चलते हैं, है ना। आप किसी रिसोर्ट में जाते हैं वहां पे भी ईवी व्हीकल होता है, तो इलेक्ट्रिक बैटरी का यूज खाली व्हीकल में ही, अलग अलग व्हीकल में होता है, बहुत जगह पे ना वो ईवी आ रहा है, तो बैटरी का सेल तो होगा, बट इफ यू टॉक फ्रॉम बिग प्लेयर जो इनके अभी कस्टमर है, 2-5 years डाउन द लाइन वो खुद बना सकते हैं कि नहीं, आराम से बना सकते हैं। तो फिर आपको सोचना है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकेंड इश्यू जो आपको ध्यान में रखना है कि ईवी व्हीकल लेते समय कोई भी कस्टमर तीन चीजें सोचता है। सबसे पहला चार्जिंग फैसिलिटी, सेकंड उसका रेंज कितना है और चार्जिंग टाइम कितना है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से अभी डोमिनेंट जो है वो टाटा पावर के पास है, उन्होंने इंडिया में एज ऑफ नाउ मोर देन 200 चार्जिंग सेक्शंस लगा दिए हैं, है ना, अलग अलग सिटीज में, बड़े बड़े सिटीज में उनके 200 चार्जिंग सेक्शंस है, तो जहां पे जाके आप कार चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप वगैरह तो बहुत अवेलेबल है, बड़े पेट्रोल पंप जो कंपनीज है वो बहुत सारे है, अभी ईवी वाले कम है। तो मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ईवी का मार्केट है थोड़ा कम है, जैसे ईवी का डिमांड बढ़ेगा ना कॉम्पिटिशन विल ऑल्सो इंक्रीज, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो मैंने आपको तीन पॉइंट बताया उसमें चौथा पॉइंट ध्यान में रखना, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा तो उतना मार्जिन नहीं रहेगा। जैसे इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल, पहले मोबाइल एक दो कंपनी बनाती थी, अभी मोबाइल 500 कंपनी बनाती है, तो मार्जिन ऑटोमेटिक कम होता है। छोटी मोटी कंपनी है तो भी वो मोबाइल उस कंपनी का सेल होता है। सेम विद इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप जिस सिटी में रहते हैं देखा वहां पे बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज रहेंगी जो ईवी व्हीकल बना रहे हैं, चेक करना आपके सिटी में, अदर देन दिस बिग नेम्स यू विल फाइंड सम स्मॉल कंपनीज मेकिंग ईवी व्हीकल। तो ऐसा है, तो अभी वो ईवी का डिमांड बहुत है, बट जैसे सप्लायर बढ़ेंगे ना तो ईवी का डिमांड क्या होगा, मतलब कंपनी का कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो अभी जिस स्पीड से उनका ईवी का सेल बढ़ रहा है वो स्पीड मेंटेन नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो मैंने आपको पैरामीटर बताया ये सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है। वन मोर चैलेंज वी हैव इज बैटरी लाइफ, कि जो ईवी व्हीकल्स है लोग क्यों नहीं ले रहे, उसका बैटरी लाइफ कितना होगा, वैसे लोगों को पता है, और उसको बाद में और एक एनवायरमेंटल डैमेज है कि बैटरी को उसको डिस्कार्ड कैसे किया जाएगा 4-5 years डाउन द लाइन, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो ईवी सेक्टर में मेरे हिसाब से ये 4-5 चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से ऐसा डिफाइन करना मुश्किल है कि यही स्टॉक आपने लेना चाहिए। बैटरी का मैंने मेरा एनालिसिस बताया, गलत भी हो सकता है कि बड़े बड़े प्लेयर खुद बैटरी बनाना स्टार्ट कर देंगे, अभी बाहर से ले रहे, तो आप जब भी किसी बैटरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे
या कार कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने जो आपको पॉइंटर्स बताया ये अच्छे से समझ के इन्वेस्ट करना, फिर भी आप चाहते हो। अच्छा, कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ईवी का ये कितना बड़ा है। ये 2021-22 का डेटा है। ईवी का जो शेयर था टोटल मार्केट शेयर में 1.75 था, बाय 2030 एक्सपेक्टेड टू रिच 6.38। ये है ईवी का शेयर। इफ यू टॉक ऑफ सेल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स, 21-22 का सेल है लगभग 6,90,000 समथिंग, एंड 2030 में ये 1,33,00,000 तक जा सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट विल ग्रो। सो ईवी सेक्टर ग्रो होगा क्या? 100% ग्रो होगा। बट द क्वेश्चन इज विच कंपनी विल ग्रो, बिकॉज अभी काफी सारी चीजें बाहर से आउटसोर्स हो रही है। तो जो छोटी कंपनी से अपन आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, बैटरी बनाने वाले या कोई स्पेयर पार्ट्स बनाते, वो कंपनी खुद बनाएगा बड़े कंपनी, तो ये ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग, फिर बड़े कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से उसका मार्केट थोड़ा सेटल होना जरूरी है। जैसे अभी नेक्सॉन बहुत अच्छा कर रही है टाटा की, आई थिंक इट्स अ नंबर वन सेलिंग व्हीकल एज फार एज ईवी इज कंसर्न। बट टाटा मोटर्स तो पहले से अच्छी है, महिंद्रा महिंद्रा भी पहले से अच्छा है, बजाज की चेतक है वो भी पहले से अच्छी, दीज आर द ऑल गुड कंपनीज, वो ऑलरेडी पहले से अच्छा ही कर रही थी और अच्छा कर सकती है। एंड फोर्थ वन इज टाटा पावर। तो ये चार स्टॉक आप जरूर ऑब्जर्व करना, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकमेंड विच सेक्टर टू गो फॉर इट, बिकॉज वो अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। कोई क्लियर मतलब अभी किसी का कोई डोमिनेंस नहीं है सच, एक्सेप्ट टाटा का जो मैंने एक एग्जांपल लिया, क्योंकि नए 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 प्लेयर आ रहे हैं। जैसे नए प्लेयर आएंगे सप्लायर बढ़ेंगे, हर एक का सेल कम होने वाला है। तो आई थिंक लेट्स वॉच आउट दिस स्टॉक्स जो ईवी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एंड डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज एंड जो मैंने कुछ प्रॉब्लम बताया उसका क्या सोल्यूशन रहता है, उस बेसिस पे आपने इन्वेस्ट करना चाहिए विदाउट मेकिंग मच टेकिंग फास्ट डिसीजन, है ना। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक जरूर करना, एंड मिनिमल इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट नीचे क्लिक करना है एंड यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। बट उसके बाद जो मैंने आपको चार स्टॉक्स के नाम बताए वो जैसे इन्फॉर्मेशन था, देयर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय दिस स्टॉक्स। मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 साल, ये जो चीजें मैंने बताई आप उस पर सोचो एंड अकॉर्डिंगली जरूर बाय करना। तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।